इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार को जिम्बाब्वे क्रिकेट को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। जिम्बाब्वे पर यह बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो बोर्ड के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप को खत्म करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहा है। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि जिम्बाब्वे ने आईसीसी के संविधान का उल्लंघन किया है, इसी वजह से उन पर बैन लगाया गया है। उन्होंने कहा, हमने किसी सदस्य देश के बैन का फैसला हल्के में नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि हमारा खेल भी राजनीतिक दखल से दूर रहे। जिम्बाब्वे में जो हुआ वो आईसीसी के संविधान का गंभीर उल्लंघन है और हम इस स्थिति को ऐसे ही नहीं बने रहने दे सकते। आईसीसी चाहता है कि जिम्बाब्वे में क्रिकेट जारी रहे, लेकिन ऐसा आईसीसी के संविधान के नियमों के अनुरूप हो। इस बैन के बाद अब जिम्बाब्वे तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएगा जब तक आईसीसी उन पर से ये बैन ना हटाए। हाल ही में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेली थी। 14 जुलाई को दोनों के बीच आखिरी टी20 मैच खेला गया था। इसके अलावा आईसीसी की लंदन में आयोजित सालाना बैठक में कई बड़े निर्णय हुए, जिसमें सबसे अहम टेस्ट क्रिकेट में कंक्यूजन रिप्लेसमेंट के रूप में आया। टेस्ट क्रिकेट के दौरान सिर में चोट लगने की वजह से घायल होने वाले खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। ये बदलाव आगामी एशेज सीरीज के दौरान 1 अगस्त से लागू होगा। इसके अलावा स्लो ओवर रेट के लिए दी जाने वाली सजा के नियम में भी बदलाव हुआ है कि ऐसा करने वाली टीम के साथ साथ टीम के खिलाड़ियों को भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें भी कप्तान के बराबर सजा भी मिलेगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।